अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं भगारे दही बड़े, जिसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन लिया है, एक कप दही लिया है, और बेसन में जो शामिल करने वाले स्पाइस हैं वो मैंने लिए हैं एक चाय का चमचा पिसी हुई मैंने मिर्चें ली हैं लाल, आधी से भी कम मैंने चमची जो है वो पिसी हुई हल्दी ली है, आधा चाय का चमचा मैंने नमक लिया है, आधा चाय का चमचा मैंने ज़ीरा लिया है, और मैंने ये अजवाइन ली है मैंने आधी चाय की चमची। इन तमाम चीज़ों को हम बेसन में शामिल करके एक बैटर बना लेंगे। इसके अलावा मैंने दही लिया है, दही जो है वो हम एक साइड पर अभी कर देते हैं। इसके हम सबसे पहले बेसन का बैटर बनाएंगे। इसके अलावा मैंने भगार के लिए लिया है ज़ीरा, एक मैंने ड्राई चिली ली है, कड़ी पत्ते लिए हैं, और दो चमचे मैंने प्याज जो है वो चॉप कर ली है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम भगार में यूज़ करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये बेसन को मैंने घोल दिया है और ये थोड़ा थिक ही रखा है। इसके साथ से जो स्पाइस मैंने लिए थे ये मैं सारे इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधा घंटा मैं इसको रेस्ट दे दूँगी, जब तक हम दही तैयार करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस दही को मैंने इस बड़े बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। एक कप भर के मैंने दही लिया है और उसके अंदर मैं ये स्पाइस शामिल करूँगी। एक चाय की चमची मैंने रोस्टेड ज़ीरा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से मसल लिया था। इसके अलावा जो है ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये भी एक चाय का चमचा है। 1/4 मैंने जो है वो काला नमक लिया है, ब्लैक सॉल्ट यानी, और इसके अलावा ये नमक लिया है आम यूज़ के लिए, जो नमक हम यूज़ करते हैं वो है, ये मैंने लिया है हसबे ज़रूरत। अगर आपको कम लगे तो आप इसको बढ़ा भी दीजिएगा। अब हम इसको दही में शामिल करके हम दही बना लेंगे। दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको दही जो है वो थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकती हैं। हल्का सा इसके अंदर मीठा ज़रा सा टेक्सचर आए तो मैंने ये दो चाय के चमचे इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है, ताकि हल्के हमारे थोड़े से खट्टे मीठा सा टेस्ट आए। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये इसको हमने इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं करना है। अब हम बेसन जो हमने बैटर बनाया है उसकी फुलकियाँ बना के उसको हम इस दही के अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन शामिल करने से पहले हम उन फुलकियों को सादा पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो देंगे, ताकि फुलकियाँ अंदर तक नरम हो जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, ये फ्राई कर लिए हैं मैंने ये पकौड़ियाँ जो हैं, और फिर इनको फ्राई करने के बाद मैं इनको पानी में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये पकौड़ियाँ जो है ये मैंने छोटे छोटे बना दिए हैं। अब मैं ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इनको पानी में भिगो दिया है, फिर इसके बाद जो है मैं इनको दही के अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर जो है वो फुलकियों को दही में शामिल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर भगार लगाऊंगी। भगार के लिए मैंने ये दो चाय के चमचे मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने क्यूब्स की सूरत में कट कर लिया है। मैंने ज़ीरा लिया है एक आधी चाय की चमची, कड़ी पत्ता लिया है, और एक मैंने ड्राई चिली ली है। अब मैं दो चाय के चमचे ऑयल लेकर मैं इसको भगार गरम इसके अंदर फ्राई कर लूँगी चीज़ों को, और फिर इसके अंदर दही में शामिल कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, ज़ीरा मैंने डाल दिया है। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है। बाकी इसके अंदर कड़ी पत्ता और ड्राई चिली भी मैंने ऐड कर दी थी। अब हम इसको दही बड़ों के ऊपर भगार दे देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ऊपर से सब भगार डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा हाथ पे मैंने हल्का सा क्रश करके इस भुने हुए ज़ीरे को भी ऊपर से डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के साथ। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल का आइकन भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।